हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शेल पता चलेगा, एक्सिमेथल से पता चलेगा उसका सब शेल कौन सा है, लेकिन ये बताता है ओरिएंटेशन यानी शेप। क्या मतलब ओरिएंटेशन यानी कि सिम। जैसे कि देखो, अगर एल की वैल्यू जीरो है तो एम भी जीरो होता है, एल की वैल्यू वन हो तो एम की वैल्यू माइनस वन जीरो और वन होती है, एल की वैल्यू टू हो तो फिर एम की वैल्यू माइनस टू माइनस वन जीरो वन और टू। ये ट्रिक ध्यान में रखो, वन है तो माइनस वन से शुरू हो गए प्लस वन, टू है तो माइनस टू से शुरू हो गए प्लस टू, और अगर एल की वैल्यू थ्री है तो देखो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू और थ्री आ जाएगा। एल की वैल्यू वन है तो फिर एम की वैल्यू माइनस वन जीरो और वन हो सकती है, माइनस वन है तो पी एक्स, जीरो है तो पी वाई, वन है तो पी जेड, और अगर ये वैल्यू टू है तो वो ध्यान में रखें, एम अगर माइनस टू है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वन है तो डी जेड स्क्वायर, जीरो है तो डी एक्स वाई, वन है तो टी एक्स जेड, टू है तो डी वाई जेड, और एल की वैल्यू थ्री है तो फिर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू और थ्री तक होती है। जिसमें से पूछ लेंगे आपसे एम की वैल्यू पे, एक तो वो याद रखें एल इक्वल टू वन पे पूछेंगे यानी पी ऑर्बिटल में, और दूसरा किस में आएगा डी ऑर्बिटल में, ये इंपॉर्टेंट है।